हाय एवरीवन, मैं हूँ नीलो फर्मस्ती विद ग्रस्ती चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम हमारे इस चैनल में आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं मौसम्बी का जूस, जो आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना लेंगे बिना किसी झंझट के। मौसम्बी के जूस में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जिससे आप बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप वज़न घटाने की सोच रहे हैं तो आप इसे अपने वज़न घटाने के लिए यानी अपने डाइट प्लान में इसे शामिल कर सकते हैं। ये जूस आज हम हमारे मिक्सर ग्राइंडर में बनाने वाले हैं, बहुत ही आराम से बन जाएगा। बस इसी तरह से हमें मौसम्बी के 4 टुकड़े कर लेने हैं, इस तरह से बीज से भी कर लीजिए। इसी तरह हम सभी मौसम्बी को इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये लीजिए, हमने सभी मौसम्बियों को कट कर लिया है 4 पीसेस में। अब आपको ये जो हार्ड वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, हमें इसे निकाल लेना है वरना हमारा जूस कड़वा हो जाता है इस पोर्शन की वजह से। इजीली आपको ये इसका छिलका निकाल लेना है, आराम से निकल जाता है। अब आपको इसके बीज भी पूरा ऊपरी ही नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह नाइफ के ज़रिए आप इसे निकाल लीजिए। तो ये लीजिए, आपका ये पूरा पल्प रेडी है। इसी तरह से हम सभी मौसम्बी के पल्प को अलग कर लेंगे। ये लीजिए, हमने सभी पल्प को अलग कर लिया है छिलकों से। अब चलते हैं हमारे किचन की ओर। मौसम्बी के पल्प, जलजीरा पाउडर, 1 कप शक्कर, 1 कप के करीब हमें पानी लगने वाला है, 1 छलनी और ग्लासेस, मिक्सर ग्राइंडर का जूसर वाला जार, ये सब पल्प को हम इसमें डाल देते हैं। 1 कप शक्कर भी डाल देते हैं, जलजीरा पाउडर भी डाल देते हैं, थोड़ा सा रखते हैं बचाकर। ये क्यूब हम निकाल कर रख लेते हैं अपने ट्रे में। पहले इसमें 1 कप के इतना पानी डाल देंगे और अपने ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लेंगे, 1-2 सेकंड के लिए चला लेना है बस। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये पूरे आइस क्यूब डालने की वजह से जब आप इसने में डालते हैं तो आइस क्रिस्टल बनते हैं और हमारा जूस है जो बहुत ही ज़्यादा पफी फ्लफी बनता है और वो हमें पीने में पतला जैसा नहीं लगता है, गाढ़ा लगता है और टेस्ट अच्छा आता है। ये लीजिए, बन चुका। अब हम इसे छलनी के ज़रिए छान लेते हैं, जो इसके छिलके थे वो भी इस छलनी के ज़रिए जूस नीचे चला जाएगा और सिर्फ पतले जो छिलके थे वो ऊपर रह जाएंगे। इसी तरह चम्मच से चलाते रहें और आसानी से जूस नीचे चला जाएगा इस तरीके से। ये लीजिए, सिर्फ 5 मिनट में ये हो चुका। अब इस पर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि इसमें का जो थोड़ा बहुत जूस बचा है वो भी हमें मिल जाए। ये लीजिए, सभी जूस अलग हो चुका है। चलिए फिर अब गार्निशिंग की तैयारी करते हैं। जूस तो रेडी हो चुका है, सभी ग्लासेस में हम भर लेते हैं। देखकर ही आपको मिक्सचर का पता चल रहा होगा कि ये कितना जूसी और कितना झाग वाला, ना के पतला जूस बना हुआ है मौसम्बी का। इसी तरह से हम सभी ग्लास में डाल देंगे। अगर आप ये जूस किसी मरीज़ को देना चाहते हो बनाकर, तो आप इसमें से ये जो हमने आइस क्यूब डाले हुए हैं आप इसे ना डालें, बस इसी तरह से आप सब बना लीजिए। तैयार है हमारा मौसम्बी का बिल्कुल अपने घर में बना हुआ होटल जैसा जूस। थोड़ा सा जलजीरा डालकर हम इस पर गार्निशिंग कर लेते हैं। बहुत ही कम सामान में हमारा यह जूस 5 मिनट में बनकर रेडी है। इसी तरह से बनाइए मौसम्बी का जूस अपने घर में और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर उसका लुत्फ़ उठाइए और बताइए कैसा बना है। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।